लगता है राखी सावंत ट्राई कर रही है यहाँ पर राहुल वैद्य की आंखें खोलने का। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए हम आपको बता देंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल बिग बॉस के घर में कल हमने क्या देखा, जहां पर राहुल वैद्य और राखी सावंत मिलकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर राखी सावंत एली कोहली के बारे में कई सारी चीजें बता रही हैं, जैसे कि एली जो है सबके साथ में लड़ाई करते हैं, सबके साथ में झगड़ा करते हैं, देन उसके बाद में हर किसी के साथ में वो नॉर्मल हो जाते हैं। जैसा कि उन्होंने रूबीना वाला इंसिडेंट बताया कि देखो रूबीना के साथ में उसका झगड़ा हुआ, अभिनव के साथ में उसका झगड़ा हुआ और जैसे ही ये झगड़ा खत्म हो गया उसके बाद में उन्होंने रूबीना को ऐसे सर पे ऐसे से मतलब हाथ फेर रहे हैं, देन एकदम उनके आगे उन्होंने गर्दन अपनी झुका ली है। तो कहीं ना कहीं एली जो है वो अपना गेम खेलने के बाद में सेफली निकल जाते हैं और राहुल वैद्य टारगेट हो जाते हैं। और इनफैक्ट राखी ने उन्हें ये भी कहा कि देखो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही एग्जांपल के तौर पर ले लो, कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा गया था कि तुम्हें टारगेट किया गया था, लेकिन एली कोहली जो थे वो बहुत ही क्लियरली निकल गए थे। अब राखी सावंत की इन बातों पर आप सोचेंगे राहुल वैद्य का क्या रिएक्शन है। बता दूं आपको कि राहुल वैद्य ने कहा कि देखो ये उनका गेम प्लान है, वो अपने तरीके से खेल रहे हैं और ये मेरा गेम प्लान है, और अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो वो उसकी मर्जी, जैसा भी है वो मेरा दोस्त है, मैंने उसे दिल से अपना दोस्त माना है, अपना भाई माना है, इस गेम शो से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि राखी सावंत के सामने ये जवाब तो राहुल वैद्य ने दे दिया है, लेकिन जब भी वक्त आएगा तो क्या राहुल इस बात को सोचेंगे या नहीं? पर राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।